ऑल इन वन लाइव माउंट आबू चैनल पर आप सभी को बहुत सारे याद प्यार है। आप ऐसे ही देखते रहिए। यदि आप सभी माउंट आबू के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए चाहिए तो ऑल इन वन लाइव माउंट आबू चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए, सदा खुश रहिए। और आप सभी से अनुरोध है वीडियो को लास्ट तक सभी देखते रहना। इसके बाद हम आप सभी को माउंट आबू की पूरी वीडियो दिखाने जाएंगे। मैं आप सभी को एक दिन छोड़ के एक दिन पूरी माउंट आबू की अवलोकन कराने ले चलेंगे। चलिए आगे देखते रहिए, परमात्मा को याद करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए। आप सभी को माउंट आबू की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। अभी की माउंट आबू का नाम है अरावली पर्वत। बहुत विशाल, बहुत उच्चता से ऊंचाई है, बहुत सुंदरता से परिपूर्ण है। ये राजस्थान की सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है और यहाँ देश विदेश लोग आते हैं देखने के लिए, यहाँ लुत्फ़ उठाने के लिए। बहुत सुंदरता से परिपूर्ण इसकी खूबसूरत नज़ारा है और चारों तरफ जंगल, पहाड़ियाँ, वन्य जंतु और प्राणी सब साथ में रहकर जीते हैं। और इसकी पुराना नाम है अरवदाचल। सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत नाम है। ये राजस्थान की एक हिल स्टेशन है। ये बहुत सुंदरता से परिपूर्ण है। इसी अरावली पहाड़ी के ऊपर नक्की झील है, सनसेन पॉइंट है, हनीमून पॉइंट है और उसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारी की हेडक्वार्टर है। इसके बाद आप सभी को गुरु शिखर, अचलगढ़, गौमुख और पीस पार्क, ज्ञान सरोवर, बहुत खूबसूरत जगह है और अधर देवी मंदिर, माता शक्ति सती की शक्तिपीठ है। इस खूबसूरत नज़ारा का आप सभी लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप सभी को यदि माउंट आबू घूमने के लिए आना है तो आपको रेल की माध्यम से आ सकते हो। यहाँ नज़दीक स्टेशन आबू रोड है और आबू रोड से आप टैक्सी करके माउंट आबू जा सकते हैं। माउंट आबू जाने के लिए आपको कम से कम आबू रोड से माउंट तक कम से कम 21 किलोमीटर है और 21 किलोमीटर के बाद आप सभी को जो घूमना है ये 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इसकी डायरी में सारे पॉइंट्स हिल स्टेशन आते हैं। सबसे ऊपर, सबसे ऊंचाई पर है गुरु शिखर, जो बहुत सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है उसकी और बहुत भव्यता से परिपूर्ण है। अरावली की चोटी गुरु शिखर जब आप सभी पहुंचेंगे और उसके ऊपर आप सभी जब देखेंगे तो सारे अरावली पर्वत की नज़ारा आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप सभी आएंगे तो उसके नीचे आपको पीस पार्क देखने के लिए मिलेगा। वहाँ अच्छी अच्छी गार्डन है, आत्मा परमात्मा की ज्ञान दिया जाता है और जीवन को जीने के लिए कला सिखाया जाता है। आप उस जगह में घूम सकते हो और उसके बाद अचलेश्वर महादेव मंदिर देख सकते हो, जो कामधेनु से जुड़ा हुआ ये मंदिर के बारे में इतिहास कहा जाता है। जब छोटा समय में ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में कामधेनु का लालन पालन हुआ था और इस जगह पर ऋषि वशिष्ठ ने तपस्या की थी, जो शिव को प्रसन्न करके उन्होंने इसी अरावली पर्वत को समान रखने के लिए उन्होंने तपस्या किया था और उसको अचल रखने के लिए, इसीलिए अचलगढ़ के नाम पे विख्यात है। सभी जगह में इस शिवलिंग के आकार से पूजा होती है सभी मंदिरों में और इसी अचलेश्वर महादेव मंदिर में शिव की अंगूठा की पूजा होती है।
उसके बाद आप सभी जैन मंदिर उसके ऊपर भी जा सकते हो, जैन मंदिर है, उसके ऊपर काली माता की मंदिर भी है, गुफा के अंदर बहुत सुंदर नज़ारा भी है, उसके ऊपर से आप सभी गुरु शिखर की नज़ारा भी देख सकते हो। उसके बाद हम सभी दिलवाड़ा टेम्पल में जो इतिहास से जुड़ी हुई बहुत खूबसूरत नज़ारा है और बहुत भव्यता से परिपूर्ण उसी मंदिर को बनाया गया था। ये राजस्थान की राजाओं का स्थान है, यहाँ राजाओं का कलाकृति वर्णित है और इस मंदिर को पत्थर के माध्यम से इतनी बारीक की कारीगरी की गई है जो कहीं भी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस मंदिर से एक इतिहास जुड़ी हुई है, भारत की धरोहर यह मंदिर बहुत सुंदरता से परिपूर्ण है और इस मंदिर को बनाने के लिए राजा ने अपना सर्वस्व धन दौलत निछावर कर दिए और इसी राजा ने जब अपने पास धन दौलत को छुपाने के लिए जमीन के नीचे अपने धन को छुपाने जा रहे थे, जब उन्होंने अपनी धन को छुपाने के लिए गए थे, जहाँ छुपा रहे थे उस जगह पर और धन निकला। जब उसी धन को उन्होंने और निकला, राजा महाराजाओं का पास बहुत सारे धन होता था और धन होने के नाते उन्होंने अपना दो पुत्र, राजा ने हुक्म दिया अपनी दो पुत्र को, जिसका नाम एक वास्तुपाल है एक तेजपाल, दो उनकी पुत्र थे राजा की, उनको आदेश किया गया जे आप ये धन को लेकर जमीन में गाड़ दीजिए। जब उन्होंने गाड़ने के लिए गए तो जहाँ उन्होंने धन गाड़ रहे थे तो उसी जगह से और धन निकलने लगा। तो उन्होंने सोचे तो ये धन को हम क्या करेंगे, हम गाड़ने जा रहे और निकलता जा रहे। और तो उनके साथ में महारानी भी गए थे, तो महारानी ने उन्होंने अपना दो पुत्र को सुझाव दिए, हम ऐसा कुछ करेंगे जो लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, किंतु ले नहीं सकते। उन्होंने अपना शुभ विचार, शुभ संकल्प और शुभ संकल्प के आधार से उन्होंने इसी दिलवाड़ा टेम्पल के निर्माण किए थे। कितनी सुंदरता से परिपूर्ण ये मंदिर, बहुत भव्यता से मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस मंदिर में आप सभी से अनुरोध है, इस मंदिर में मोबाइल लेना अलाउ नहीं है। अभी आप सभी को ले चलता हूँ अधर देवी मंदिर, जो 300-350 स्टेप की सीढ़ी है। पहाड़ी पर बसा हुआ ये मंदिर बहुत खूबसूरत है, ये माता जी की मंदिर गुफा के अंदर बहुत सुंदरता से परिपूर्ण है। इसके बाद हम सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर इसी अरावली पर्वत पर अवस्थित है, जिसको पांडव भवन के नाम में जाना जाता है। ओम शांति भवन बहुत अच्छी हॉल है, जहां सृष्टि की चक्र की ज्ञान दिया जाता है, आत्मा की ज्ञान दिया जाता है। आइए उसके अंदर हम सभी जाएंगे। इसका हिस्ट्री यही है, दादा लेखराज ने इसका निर्माण किए थे। सारा विश्व को आत्मा परमात्मा की ज्ञान देने के साथ साथ स्वयं का उन्नति, जगत की कल्याण, विश्व की भलाई अपना मन में संकल्प लेते हुए अपना धन दौलत सर्वस्व निछावर करके बहनों को समर्पण किए थे। ये सारे जितने भी आज भारतवर्ष में सारा विश्व में संचालित होती है ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, यही ही ये हेडक्वार्टर है। ओम शांति भवन। आइए आप सभी को ले चलता हूँ नकी झील की तरफ, जहाँ नखून के माध्यम से इस झील को खुदा गया था
और इस झील में 12 महीना पानी रहती है। ये खूबसूरत नज़ारा अरावली पर्वत के ऊपर बसा हुआ ये नक्की झील, चारों तरफ जंगल है और बीच में ये झील है। इसके बाद आप सभी को ले चलता हूँ टडरक, जो मेंढक की आकृति से बनी हुई पत्थर शिला में कितनी कुदरत की खूबसूरत नज़ारा है। आप उसकी ऊपर जाकर सीढ़ी के माध्यम में जाना पड़ेगा, उसकी ऊपर से आप सभी पूरी नक्की झील की नज़ारा देख सकते हैं। उसके बाद आप सभी को ले चलता हूँ सनसन पॉइंट, उसी की आसपास में ही आता है, जहाँ आप सभी को सूरज डूबते हुए दिखाई देती है और उगते हुए भी दिखाई देता है, दोनों तरफ नज़ारा दिखाई देता है। इसके बाद हम सभी चलेंगे ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा संचालन किया जाता है ज्ञान सरोवर, जो देश विदेश से भाई बहन यहाँ रहते हैं, और इतनी खूबसूरत नज़ारा है वहाँ, ज्ञान की भंडार, परमात्मा से जुड़ी हुई सर्व ज्ञान उसे प्राप्त होती है। और उसी जगह पर आप सभी को एक म्यूजियम मिलेगा, जहाँ परमात्मा से जुड़ी हुई सारे ज्ञान की प्राप्त होती है। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गार्डन है, बहुत सुंदरता से परिपूर्ण है। आइए आपको और एक जगह ले चलता हूँ जो रामायण से जुड़ी हुई है, ऋषि वशिष्ठ जी की आश्रम है, जहाँ राम की पूर्वज ज्ञान प्राप्त किए थे ऋषि वशिष्ठ से। उसी आश्रम के पास ले चलता हूँ जहाँ राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण चारों भाई ने ज्ञान अर्जन किए थे। और ऋषि वशिष्ठ आश्रम की खूबसूरत नज़ारा, और इसी आश्रम को जाने के लिए कम से कम आप सभी को 800-850 सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, और बहुत गहरा भी है, नीचे है, ऊंचाई से आपको नीचे जाना पड़ेगा। आइए गौमुख की खूबसूरत नज़ारा, गौमुख से निकलते हुए पानी कभी बंद नहीं होता है, 12 महीना चलता रहता है। आइए, जानकारी के लिए आप सभी ऑल इन वन लाइव माउंट आबू चैनल पर देख सकते हो। आप सभी को एक दिन छोड़ के एक दिन पूरी लाइव वीडियो के साथ खूबसूरत नज़ारा दिखाने जा रहा। आप सभी माउंट आबू घूमने के लिए आते हैं तो कम से कम आपके पास 4-5 दिन होना चाहिए, और उसके बाद यदि आप जल्दी घूमना है तो 1-1.5 दिन में आप आराम से घूम सकते, किंतु हर जगह आप जा नहीं सकते हैं और आप सभी हर जगह पहुंच भी नहीं सकते। ओम शांति।